नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर चौहान ओंको केयर कैंसर हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जुलाई मंथ को हम वर्ल्ड सार्कोमा और बोन कैंसर डे मंथ के रूप में मनाते हैं। सार्कोमा पूरी तरीके से अगर इनिशियल स्टेज का है, इधर उधर नहीं फैला है, तो पूरी तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा हो, चाहे इविंग सार्कोमा हो, चाहे आपका ओस्टियो सार्कोमा हो या डिफरेंट टाइप के और भी सार्कोमा हो। बस हमें ये देखना है कि उसको अवेयरनेस फैला के जल्दी से उसको पकड़ना है, जिससे पहले कि इधर उधर ना फैले। और सार्कोमा बहुत तेजी से इधर उधर फैलता भी है। आप ये मानिए, हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30 से 40% मरीज हमारे लंग मेट्स के साथ प्रेजेंट होते हैं या इधर उधर मेटास्टाइज तरीके से हमारे पास सार्कोमा के पेशेंट प्रेजेंट होते हैं। जितनी जल्दी हम इसको पकड़ लेंगे, उतनी अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और कोशिश हमेशा यह करनी है कि पेशेंट को जल्दी से सार्कोमा को पकड़ा जाए, और उसके बाद उसकी लिम्ब साल्वेज सर्जरी का ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए। कीमोथेरेपी का भी इसमें रोल होता है। अगर इनिशियल स्टेज में लोकली एडवांस डिजीज है, तो हम कीमोथेरेपी करके पहले पेशेंट को उसका जो ट्यूमर है उसको छोटा करते हैं, उसके बाद उसमें सर्जरी करते हैं, और सर्जरी के बाद कभी कभी प्लस माइनस रेडिएशन का भी रोल रहता है, और उसके बाद सर्जरी के बाद भी कीमो का रोल रहता है। तो हमें सार्कोमा के बारे में अच्छे से जानना चाहिए और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट आगे करना चाहिए। धन्यवाद।